आरआरबी स्पेशल डिक्टेशन गेट रेडी स्टार्ट। देयर हैज बीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी विथ रिगार्ड टू द फ्यूचर ऑफ द सिल्दा डिवीजन अल्सो इन द टेंटेटिव प्लान पुट फॉरवर्ड बाय द रेलवे मिनिस्ट्री। इट वॉज इंटेंडेड दैट दिस डिवीजन शुड बी अटैच्ड टू द नॉर्दर्न मीटर गेज सेक्शन 2 गिवेन इट एन एक्सेस रूट ऑफ द पोर्ट ऑफ कलकत्ता। इट वॉज फेल्ट एट द टाइम दैट दिस अरेंजमेंट शुड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बोथ इन एंड आउट ऑफ द पोर्ट ऑफ कलकत्ता। इवन दो द अटैचमेंट ऑफ अ शॉर्ट बोर्ड गेज लिंक टू एंड इंटायरली मीटर गेज सिस्टम वाज नॉट एंड आइडियल ऑपरेटिंग प्लान द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ बंगाल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस प्रोविजन एंड द बंगाल गवर्नमेंट वाज इंक्लाइंड टू सपोर्ट देयर व्यू पॉइंट। देयर वर ऑफ द ओपिनियन डैट दिस डिवीजन शुड कंटिन्यू विथ द ईस्टर्न रेलवे फॉर द यूनिटी ऑफ द ब्रॉड गेज सिस्टम इन बंगाल। आफ्टर अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ दीज रिप्रजेंटेशंस गवर्नमेंट केम टू द कंक्लूजन डैट द पॉइंट मेड बाई बंगाल शुड बी कंसिडर्ड ऑन अ री एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द टेंटेटिव प्लान। इट वॉज फेल्ट डैट फॉर मेंटेनिंग द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ कलकत्ता इट वॉज नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर अ वाइडर एंड अ मोर इफेक्टिव मेजर ऑफ कोऑर्डिनेशन ओवर ऑल द रिवरिंग इंटरचेंज पॉइंट्स ऑफ ट्रैफिक देन वॉज इन्विसेज्ड इन द ओरिजिनल प्लान। एज अंडर नो प्रैक्टिकल स्कीम कुड ऑल दीज पॉइंट्स बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल जोनल रेलवे। द ओनली इफेक्टिव अरेंजमेंट वॉज द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ मशीनरी इन कलकत्ता विथ पावर्स टू रेगुलेट ट्रैफिक ओवर ऑल दीज अल्टरनेटिव पॉइंट्स हैविंग रिगार्ड टू द कैपेसिटी अवेलेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन रिलेशन टू द ट्रैफिक अवेटिंग मूवमेंट एंड ऑफिसर ऑफ द स्टेटस ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द रेलवे बोर्ड डिजाइनेटेड डायरेक्टर रेल मूवमेंट्स इन ऑलरेडी इन पोजिशन एंड हैज टेकन ओवरऑल चार्ज फॉर रेगुलेटिंग ट्रैफिक इन दिस एरिया टू एले द मिसगिविंग्स इन द माइंड्स ऑफ द स्टाफ। आई वुड रिट्रेट द एश्योरेंस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड माई प्रेडिसेसर डैट बाय द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज थ्री जोन्स देयर विल बी नो रिट्रेचमेंट एंड नन गैजेटेड स्टाफ विल बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर कंसेंट। इट इज नीडलेस फॉर मी टू स्टेट इट विल कंटिन्यू टू बी कंस्टेंट इंडीवर ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री टू प्रिजर्व द राइट्स एंड प्रिविलेजेज एंड द लेजिटिमेट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ऑल क्लास 3 एंड क्लास 4 स्टाफ। द ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ ऑफिसेज आर देयरफॉर बीइंग एडजस्टेड to this end. May I appeal once more to my friends in this house and outside to bring an objective analysis and appreciation to bear upon this problem of administrative reorganization. I am confident that on this approach we will all agree that the measures taken have for their objective the larger interests of the country. Consequent upon the formation
of the three new zonal railways, some changes have had been made in the budget showing these new railways as subheads of grants in lieu of their constituent units, which appeared as such in the estimates presented in February last. With the completion of the process of integration of Indian Railways into a single unified undertaking, it has also been considered necessary to make some alternatives in the financial and accounting structure of the railways. Hitherto, the earnings and expenditure were worked out separately for each railway system in a meticulous manner involving a lot of avoidable expenditure. The reason for this arrangement was mainly historical, as each railway system was originally incorporated as a company and had both independent administrative and financial existence. With the completion of integration, the whole conception of the Indian railway system has changed radically in so far as there is now only one railway undertaking in India. The recently constituted, with six zonals being merely administrative units, a natural to this new concept is that the accounts of the Indian Railways should be complied for the system as a whole and not for its various constituent units. This would be unrealistic. It has therefore been decided to eliminate from the financial accounts unnecessary interdepartmental and inter-railway adjustments, such as adjustment on account of freight charges on carriage on railway stores, including fuel by rail, which inflate the figures both of earnings and expenditure. Similarly, the adjustment carried out at present between the railways on account of manufacture, repair and overhaul to rolling stock at workshops of one railway for another are proposed to be discontinued with effect from the current financial year. In consequence of these decisions, the gross traffic receipt of the railways, which were placed at ₹298.47 crores in the estimates presented in February 1952, will be reduced by ₹16.31 crores, with the reduction of a corresponding amount of the expenditure sides. Since the presentation of the budget and the passing of the vote on account in February last, the financial position has been further reviewed in the light of their statistical material now available. As a result, it has been found possible to accommodate with the overall allocation of funds certain additional works with accelerate the removal of transport bottlenecks on certain section of the railways. It has also been found possible to increase substantially the provision originally made for labor welfare, particularly housing. The railways have set for themselves the standard of housing for railway at Chittaranjan, which has illicit appreciation as the ideal housing for labor anywhere in India. As the largest employer of labor in this country,
it has been the constant endeavor of the railway ministry to create conditions of work commensurate with the status of labor in the economic and social life of our welfare state. Stop.